सदाशिव अमरपुरकर, जिन्होंने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अफसर होना तो ऐसा ही होना, नेक और कड़क। एक ऐसे शानदार कॉमेडियन जिनकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? कैसे? मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था। क्या? हाँ। किसको? ये सेठ सुखीराम को। कांग्रेचुलेशन। ए अंडू पांडो। यस सर। ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। एक ऐसे बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिन्होंने समाज से मिले प्यार को कुछ बेहद खूबसूरत काम करके लौटाया। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर। शूटिंग में जाता हूं या किसी से मिलता हूं और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहां कहां से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सदाशिव। दोस्तों ये जब तक जिंदा रहे और फिल्मों में एक्टिव रहे, इंडस्ट्री ने इनको पलकों पर बिठाया। लेकिन जैसे ही मजबूरी के कारण सदाशिव को फिल्मों से दूर होना पड़ा तो यही इंडस्ट्री इनसे मुंह फेर कर बैठ गई। दोस्तों इनका जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था गणेश कुमार। और गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गाँव में हुआ था। इनके घर के लोग व इनके दोस्त इन्हें तात्या कहा करते थे। दरअसल दोस्तों स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाज़ा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि इनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धार धार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। क्योंकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव जी ने उसमें भी हिस्सा लिया था। दोस्तों कॉलेज में होने वाले उस नाटक कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था, साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही किया करते थे। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और वो किरदार इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से निभाया दोस्तों कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया था। बस यहीं से ही गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की ज़िंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब इनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया था। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से इन्होंने एमएन हिस्ट्री व एमएन सोशियोलॉजी की, साथ ही साथ नाटक में भी एक्टिव रहे। ये न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। दोस्तों अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गाँव अमरापुर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया था। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। दोस्तों अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और ख़ास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है।
दोस्तों इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी, और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया था। लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। चूँकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे और इसी तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे थे। दोस्तों मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्धसत्य नाम की एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर लिया। दोस्तों अर्धसत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुरकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया था। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई, फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार जिए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। बात अगर फिल्मों की करें तो सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज़्यादा छोटी व बड़ी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए गए कई किरदार बेहद चर्चित हुए थे, मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क में इनका निभाया गया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का ये किरदार इतने सशक्त अंदाज से निभाया था दोस्तों कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपने अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियस रोल को भी शुमार किया था। और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को महारानी फिल्म के लिए दिया गया था, जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए तो कई फिल्मों में इन्होंने अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया भी। दोस्तों सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक समाज सेवा भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव अमरापुरकर बखूबी समझते थे। लेकिन एक दफ़ा इसी समाज के लिए कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया था दोस्तों, जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया था। दरअसल साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर जी के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियाँ पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों का जब पूरा दिन पानी बर्बाद करते हुए हो गया तो सदाशिव जी से ना रह गया। वो शाम के वक्त उन्हें समझाने और पानी की कीमत बताने के लिए चले गए, लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन पर हाथ भी उठा दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करा दिया था। दोस्तों करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव पुरकार जी की तबीयत खराब होने लगी थी, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। पर चूंकि इन्हें थिएटर से बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। अपने फिल्मी करियर के पिक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहते थे। सदाशिव जी की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर था।
सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है रीमा अमरपुरकर। दोस्तों 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबाड़ी के हॉस्पिटल में सदाशिव अमरपुरकर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और जैसा कि सदाशिव अमरपुरकर चाहते थे, इनका अंतिम संस्कार इनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया।